हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड। टुडेज वी हैव गोइंग ऑन फिफ्थ चैप्टर, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पीरियड आई कैन एक्सप्लेन चैप्टर टेस्ट एग्जांपल्स, एमसीक्यूज एग्जांपल्स, मेंटल मैथ्स, ओके। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स गिव द होमवर्क, सो आई होप यू कैन कंप्लीट द होमवर्क एंड सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स परफेक्टली, ओके। So now, next chapter is multiplication, okay? So multiplication हम आज start करने वाला है। What will be the learning outcomes in this chapter? So after studying this chapter, you will be able to, okay? So learning outcomes आपको दिए हैं, मतलब इस chapter से आप क्या क्या understood करने वाले हो, okay? Which of these learning outcomes? So first, revise the concept of multiplication as repeated addition, okay? मतलब multiplication concept क्या है, okay? Multiplication की concept क्या है as a repeated addition, okay? मतलब repeated addition करके multiplication किस तरीके से किया जाता है, okay? This is a first. Second is a learn the properties of multiplication, okay? Which of these properties of multiplication? तो ये multiplication की properties हम यहाँ पे देखने वाले हैं, okay? थर्ड है लर्न मल्टीप्लीकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 20, ओके। मतलब मल्टीप्लीकेशन टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए, ओके। देन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन बाय अ 2-digit नंबर, ओके। मतलब 2-digit का मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन, ओके। मतलब रियल लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि रियल लाइफ जब हम जी रहे हैं तब ऐसे प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए होंगे। और उसके बाद है एक्वाइंट टू द कंसेप्ट ऑफ लैटिस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं, ओके। कंप्लीट 3 square पिरामिड्स, ओके। ईच नंबर इन द पिरामिड इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डायरेक्टली बिलो इट। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, ओके, और इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। अभी वो किस तरीके से होंगे, लाइक दैट 3-digit, देन अबव 2 box ओनली, ओके। 2 box यहाँ पे दिए हैं, ऊपर और एक 1 box है, तो किस तरीके से होगा, तो हम देखते हैं कि 6 5 30, ओके। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और 6 4 20, 30 और 20, 20, ओके। इस तरीके से दिया है, देखिए 4 6 and 5। तो हम सबसे पहले इसको बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स हमने बनाया, बॉक्स बनाने के बाद देखिए हम यहाँ पे एक सेकेंड बॉक्स बना रहे हैं और ऊपर एक बॉक्स बना रहे हैं, ओके। 6 5 30, देन 4 6 24, तो 30 multiply by 24, इसको आपको सॉल्व करना है, लाइक दैट 10 पुट 10, 4 3 12, 1 carry, ओके। देन 1 carry, 2 3 6 plus 1 7, तो ये हो गया आपका 720। तो ये 720 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरीके से बाकी पिरामिड्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं, ओके। ये पिरामिड आपको फिल करने हैं, लाइक दैट 3 7 21, 4 3 12, ओके, 8 4 32, 2 8 10, ओके। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, ओके। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, सो मल्टीप्लिकेशन एज ए रिपीटेड एडिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है। अभी वो किस तरीके से देखिए, इंस्टेड ऑफ एडिंग सेम अमाउंट रिपीटेडली टू फाइंड द सम, वी कैन मल्टीप्लाई टू फाइंड द सेम रिजल्ट इन अ मच क्विकर वे, ओके। सो कंसिडर 4 groups ऑफ चॉकलेट्स विथ 3 chocolates इन ईच ग्रुप। आप यहाँ पे चॉकलेट्स को देख रहे हैं, दिज आर 4 groups, 1 2
3 and 4 groups. Okay, these are the 4 groups and each group has a 3 chocolates. So 1, 2, 3. One group, 1, 2, 3. Second group, 1, 2, 3. Third group and 1, 2, 3. Fourth group. So 4 groups and each group have 3 chocolates. मतलब एक ग्रुप में 3 चॉकलेट्स है. तो होता क्या है, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर ऑल टुगेदर, यू कैन एड इट एंड फाइंड आउट. सो एक ग्रुप में 3 चॉकलेट्स है. ओके, तो रिपीटेड एडिशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. दीज आर द 4 ग्रुप्स, 1 2 3 4. ओके, दीज आर द 4 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज 3 चॉकलेट्स. So 1, 2, 3, 4 groups and 3 chocolates each group. So 3 plus 3, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12. So there are 12 chocolates in all. So this is a longer method. Okay, repeated addition is a longer method. So result in much quicker way. So 1, 2, 3, 4 groups. Okay, how many groups? 4 groups. Then each group 3 chocolates. So 3 4 are 12. Okay, 3 4 are 12. तो ये quicker way है, ये हम जल्दी solve करते हैं, quicker way. Okay, जल्दी solve करना है, repeated addition करते रहेंगे तो हमें time लगेगा. इसलिए क्या किया गया है, these are the 4 groups. So you can write now 4, then each group 3 chocolates. Okay, each group 3 chocolates. So 3 4 is 12 and 4 3 is 12. Okay, आप इसको change भी करोगे तो भी आपका answer same रहने वाला है. 4 3 is 12. This is the order property of multiplication जो आपको मैं आपको next में बताने वाला हूँ. Okay, तो ये हुआ what is multiplication. So multiplication is as a repeated addition. मतलब हम जो 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3 जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या है 12. ओके, लेकिन मोर देन अगर कुछ वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं तो उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हम करके देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन में आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो ये हुआ व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन. इन शॉर्ट वी कैन राइट दिस एज नंबर ऑफ ग्रुप्स. आप यहाँ पे देख सकते हो this is a number of groups 4. okay, this is a multiplication sign and 4 and 3 is a factors of 12. okay, matlab 12 ke factors 4 and 3 ye 12 ke factors hain. matlab ye jo product aaya kiski wajah se aaya, 4 aur 3 ki wajah se ye product aaya hai. okay, this is a product, this is a total number chocolates and number in each group. okay, so number of groups 4 groups, then each group 3 chocolates. okay, each group 3 chocolates, 4 and 3 is a factor of 12 and 12 is a product or a total number. Using multiplication, 4 into 3, 12 is a read as multiplied by 4. Okay, 3 multiplied by 4 is equal to 12, or 4 times 3 is 12, or 4 3s are 12. How to read? Then read as, okay, 12 is read as 3 multiplied by 4 is equal 12, and 4 times 3 is 12, or 4 3s are 12. Okay, jaise maine 4 3s are 12, 3 4s are 12. Okay, 3 multiplied by 4, 12. Uske baad hum dekhne wale terms related to multiplication. Okay, terms related to multiplication. The number that is repeated is called the multiplicand. The number that is repeated is called the multiplicand. A number which express how often the multiplicand is repeated is called the multiplier. The numbers which are being multiplied are called factors. Okay, and the result obtained after multiplying two numbers is known as the products. So 4 into 3, that is 12. So 12 is a multiplier. Okay, sorry, 4 is the multiplier and 3 is the multiplicand. And 12 is the product. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे 4 आपको बताया गया है, 4 is a multiplier. Okay, 4 is a multiplier, 3 is a multiplicand. Okay, 3 is a
मल्टीप्लिकेंड एंड 12 इज द प्रोडक्ट. 12 क्या है? प्रोडक्ट. जो यहाँ पे आपको बताया गया है 12 इज द प्रोडक्ट. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल अगर सॉल्व करके देखते हैं लाइक दैट. ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, फोर फाइव इज 20. ओके, सो 5 इज द मल्टीप्लायर एंड 3 इज द फोर इज द मल्टीप्लिकेंड. ओके, एंड 20 इज अ प्रोडक्ट. दिस इज अ प्रोडक्ट. ओके, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं. एक आपको सेल्फ प्रैक्टिस बताई गई है यहाँ पे, देखिए सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट द टेबल्स. ओके, अभी यही पे मैं आपको बताने वाला हूँ. एक एग्जांपल ये एक्सप्रेस करके दूंगा और एक एक्सप्लेन करके दूंगा, एक सॉल्व करके बताऊंगा. सेल्फ प्रैक्टिस 50, कंप्लीट द टेबल्स. ओके, लाइक दैट पिक्चर्स एंड थिंक, एडिशन फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड हाउ टू रीड. ओके, सो फर्स्ट इज अ फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड ईच ग्रुप Each group, three pencils. There are two groups of three each. मतलब दो ग्रुप्स है और दो ग्रुप में, हर एक ग्रुप में थ्री पेंसिल्स है. तो यहाँ पे थ्री है, सो थ्री प्लस थ्री. ओके, एडिशन फॉर्म, थ्री प्लस थ्री सिक्स. देन हाउ मेनी ग्रुप्स? टू ग्रुप्स, सो यू कैन राइट नाउ टू. देन ईच ग्रुप थ्री पेंसिल्स. ओके, सो टू थ्री इज अ सिक्स. दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. देन हाउ टू रीज? How to read? 2 3s are 6, 2 times 3 is 6, 3 multiplied by 2 is 6. Okay, 3 multiplied by 2 is 6. Okay, अभी यहाँ पे देखिए next picture B में, how many groups? So 1 2 3, how many groups? These are the 3 groups. Okay, these are 3 groups. तो हमने यहाँ पे लिख लिया थ्री ग्रुप्स. ओके, थ्री ग्रुप्स. देन थ्री ग्रुप्स ईच कंटेंट 4. ओके, ऑफ 4 ईच, ऑफ 4 ईच. देन 4 ईच, सो हाउ मेनी टाइम्स यू कैन राइट नाउ 4? दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4. ओके, इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12. ओके, 8 प्लस 4 12. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स. ओके, देन मल्टीप्लाई ईच ग्रुप हाउ मेनी कंटेंट? 4. सो 3 4 इज 12. ओके, देन नेक्स्ट. ओके, 3 4 3 4s are 12. ओके, 3 4s. ओके, 3 4s are 12. देन 3 टाइम्स ऑफ 4, 3 टाइम्स 4 is 12. Okay, then 4 multiply 4 multiplied 3 is 12. Okay, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. लाइक दैट वन एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल. यहां पे आप देख सकते हो कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है. रिपीटेड एडिशन इन वर्ड्स, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये आपको पहले सॉल्व करके बताया गया है. दिस इज अ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. ओके, दिस आर द 1 2 3 4 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप 5 कंटेंट्स. ओके, बिकॉज द 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20. सो यू कैन राइट नाउ 20. हाउ मेनी ग्रुप्स? 1 2 3 4. ओके, 4 ग्रुप्स. दिस आर द 4 ग्रुप्स ऑफ 5 आर. ओके,
5R. So 4 5 is 20. Then multiplication 4 multiply by 5 is equal to 20. यहाँ पे क्या करना है, सेवन ग्रुप्स ऑफ टू, सेवन ग्रुप्स आर टू, सो फोर ग्रुप्स 1 2 3 4. ओके, यहाँ पे सेवन ग्रुप्स ऑफ टू मतलब क्या है, टू का एडिशन है सेवन टाइम. ओके, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ओके प्लस टू प्लस टू, 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 2, ओके, सो 2 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 10, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 2 प्लस 2 4, प्लस 2 6, 8, 10, 12 एंड 14, ओके, ये हो गया 14, तो 7 ग्रुप्स ऑफ 2 आर 14, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, ओके. तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. और यहां पे दिया है थिंग 3/4, ओके 3/4, देन एडिशन फॉर्म 4 + 4 + 4, ओके लाइक दैट 5 8, ओके 5 8s, 5 8s, सो 8 यू कैन राइट नाउ 5 टाइम. ओके, यहाँ पे आप 8 को 5 टाइम लिख सकते हो. आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट किस तरीके से सॉल्व किया गया है. ओके, 3/4, ओके थिंक 3/4, उसके बाद 4 + 4 + 4, ओके सो 5 8s, 5 8s, 5 8s आर 40, सो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8, ओके 1 2 3 4 5. तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है. ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके, और साथ ही आप क्लास वर्क भी सॉल्व कीजिए. क्लास वर्क और होमवर्क, और मैं एक्स्ट्रा वर्क आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आप ये होमवर्क क्लास वर्क में सॉल्व कर सकते हो और बाकी जो है वो आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो. ओके.